हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम खान पीपल्स प्रोडक्शन से, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों हमको लोगों के कलर ग्रेडिंग स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट के उनके जो कैमराज होते हैं रेड हेजल ब्लेड, वो हमारे कैमरा से काफ़ी अलग होते हैं। वो प्रोफेशनली हाई एंड कैमराज होते हैं। उनके जो सेंसर होते हैं वो हमारे कैमरा के सेंसर से काफ़ी अलग होते हैं। और वो जो लट्स ऐसे प्रीसेट्स निकालते हैं कि आप ऐसा ये वाला लट यूज़ कर लीजिए, ये प्रीसेट यूज़ कर लीजिए तो आपका फुटेज ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि वो जो प्रीसेट्स बनाए हैं वो एक स्पेसिफिक वीडियो को दिखा के वो लोग सेल करते हैं कि ऐसा ये लड़ आप इसमें डालोगे तो वो आपका वीडियो ऐसा बन जाएगा। ये बात गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक ये चीज़ है कि आप जो ट्यूटोरियल्स देखते हो लोगों के फ़ोटो एडिटिंग के, कि ऐसा फ़ोटो था और हमने ऐसा बना दिया, और आप ऐसा सोचते हो कि क्यों ना मैं ऐसा फ़ोटो को ऐसे बना सकूँ, मतलब उनके जैसा एडिट कर सकूँ, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि उनके जो फ़ोटो है वो कम्प्लीटली आपके कैमरा सेटिंग से अलग लिए हुए होंगे। उनका जो कैमरा होगा वो अलग होगा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, वहाँ की लाइटिंग अलग होगी, उनकी फ्रेमिंग अलग होगी, उनका सब्जेक्ट अलग होगा, तो वो आप कैसे उसका रेप्लिका बना सकते हो। इससे अच्छा ये है कि आप बेसिक्स चीज़ें क्लियर कीजिए कि एक्सपोजर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। आप उन सब के बारे में पढ़िए कि अगर मैं ये बढ़ाता हूँ, ये कम करता हूँ तो ये चेंजेस होंगे, तो इससे आपको अपना कुछ बनाने में हेल्प होगा। हम क्यों लोगों की चीज़ों को कॉपी करें, क्यों ना अगर हम उनकी चीज़ों को कॉपी करेंगे तो हम उनके जैसे बनेंगे, और वो अगर वो लोग भी किसी और की चीज़ों को कॉपी करते तो वो आज वहाँ नहीं पहुँच पाते कि जहाँ पर वो है। इसलिए अपनी चीज़ें बनाइए, खुद से एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। बहुत बार फेल हो गए बट कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा ही। सबसे एंड में ये मैटर करता है कि आपको क्या पसंद आता है। आप लोगों को देख के उनके जैसे बनने का ट्राई मत कीजिए, आप खाली खुद की खुशी के लिए काम कीजिए। एंड बस मैं ये बोलूँगा कि काम करते रहिए। और ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसी के वसीम ने तीन और वेरियंट्स बनाए, दो और वेरियंट्स बनाए, और सिर्फ ग्रेडिंग करके उनका मूड चेंज कर दिया। सो ये एक एग्जांपल होता है जिससे आप ये बता सकते हो कि ये सब आपके ऊपर होता है कि आप अपने ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो, आप अपने फ़ोटो का मूड क्या रखना चाहते हो। दैट्स इट आई गेस। हो गया। ओए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या क्या होता है, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन को बजाइए। और अगर आपको और कोई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और बस इतना ही। थैंक यू। सही है ना, मन कर दे।